नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, यहाँ पे एसबीटी ही बिहार ने सिक्स सेमेस्टर या फिर कह ले फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर ओल्ड सिलेबस के अनुसार जिनका भी कैरी लगा हो या बैकलॉग हो, उन सभी का रिजल्ट यहाँ पे रिलीज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कल ही रिलीज किया गया था और बच्चे ने करीब 8 बजे के आसपास लोगों को पता चला, लेकिन रिजल्ट शायद 6-7 बजे ही रिलीज कर दिया गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को मैं एक रोल नंबर डाल करके रिजल्ट चेक करके भी बताऊंगा आपको आने कैसे हैं। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि sbtonline.in पे आपको आ करके रिजल्ट चेक करना होता है। तो बस एक अपडेट के माध्यम के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए रिजल्ट अब एक चेक कर लेते हैं। 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, जितना भी ऑब्जेक्टिव था, क्वेश्चन था या फिर आपके कहले थ्योरी का क्वेश्चन था, वो सभी आपके 2 पेज के ही क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, जो कि एग्ज़ाम से मात्र आधा घंटा पहले प्रिंट होता था। और कुछ और एग्ज़ाम के खासियत ये थी कि आप लोगों का OMR शीट कॉपी में ही दिया गया रहता था, जिससे स्टूडेंट्स का समय बचता था। तो बहुत अच्छा इस बार एक अपडेशन किया गया ऑनलाइन की तरफ, यहाँ पे SVT बिहार ने आप लोगों का परीक्षा करवाया था। तो अब चलिए हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक रिजल्ट आपको बताता हूँ 6 सेमेस्टर का। आप सभी देख सकते हैं रिजल्ट आ चुकी है। डाउनलोड करना है तो आप सभी इस डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए तो डाउनलोड हो जाएंगे। आप लोग मोबाइल में कर रहे होंगे तो आपको ओपन पे क्लिक कर देना है तो रिजल्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। रोल नंबर डाल करके गेट रिजल्ट पे क्लिक करना था, रिजल्ट आपका शो कर जाएगा। इसी प्रकार से डिप्लोमा का किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट चेक किया जाता है, लेकिन उन सारे स्टूडेंट्सों का जिनका एग्ज़ाम अभी जो आपके चल रहे हैं, तो उन लोगों का तो जल्द ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छा मतलब टेक्निकल चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही कम समय में जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस बार का जो नए स्टूडेंट्सों का एग्ज़ाम चल रहा है, सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का, उनका भी रिजल्ट एग्ज़ाम समाप्ति के 1 से 1.5 महीने बाद ही आ जाएंगे। 1 महीना का अंदर अंदर भी आ सकता है, क्योंकि इस बार बहुत ही टेक्निकल चीज़ों पर सुधार किया गया है। आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो पता ही चला होगा, और ये रिजल्ट भी बहुत कम समय में यहाँ पे जारी हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था और आपके नवंबर स्टार्टिंग में ही रिजल्ट दे दिया गया है। तो बहुत ही कम समय में SVT बिहार ने रिजल्ट जारी किया है, और वो सभी टेक्निकल चीज़ों में सुधार करने से होता है, जो कि नए कानून या फिर शिक्षा मंत्री है वो कर रहे हैं। ऑनलाइन पद्धति को बढ़ाया जा रहा है, आप लोगों का पेमेंट भी ऑनलाइन, इस बार से एग्जामिनेशन फॉर्म भी ऑनलाइन भराया था, और धीरे धीरे इस बार दिक्कत हुई थी, लेकिन वो सब आने वाले समय में सुधार कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा खबर है, और इस ऑनलाइन युग में ये सभी जो अपडेशन हो रहा है SVT बिहार के द्वारा, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।